मेरा चश्मा कहाँ चला गया? हाय सामने तो जावेद चेक बेटा, मेरे जमाने का हीरो। मुझसे पहली सी मोहब्बत, यार और छोड़ो कॉन्फिडेंस के, मैं 100 में से 100 नंबर दे रहा हूँ। मैं आई लव की मुद करते करते तर्स भी कर रहे थे ना हाथ की, याद है? आप ये पूछो कि हमजा ने 100 क्यों दिए, इसमें से लाख में से 100 दिए या कुछ किया नहीं? कॉन्फिडेंस के नंबर पूरे ठीक है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि आप गाना नहीं गा सकते। अरे नहीं हमजा भाई, हम हर जगह गाते हैं, पूरे इवेंट पे उठा देते हैं। इवेंट अभी भी उठा दिया, कॉन्फिडेंस के नंबर उठा दिया आपने। कॉन्फिडेंस के नंबर पूरे हैं, सिंगिंग के नहीं है। तो आप आ सकते हो दोबारा यार, इसमें कौन सी ऐसी बात नहीं। हमजा भाई आप थोड़ा सा सुना देना। अब पहले कुबरा तो बताएंगे। हाँ मैंने अभी तक अपना वर्डिक्ट नहीं दिया, लेकिन आई हैव टू से बाकी कॉन्फिडेंस के नंबर तो 1000 एंड और इवन 100, क्योंकि जब आप गा रहे थे आप हाथ के साथ भी ऐसे कर रहे थे एज इफ यू वर एक्चुअली ऑन ट्यून, व्हिच इज क्वाइट फनी। आपकी आवाज इटसेल्फ इज गुड, लेकिन आप सिंगिंग नहीं। नहीं चले आपकी तो मैंने सिंगिंग वीडियोस देखी हैं। नहीं नहीं मैं तो गाती भी नहीं। सिंगिंग आप जज करिए, मुझे अच्छी लगी। की मैं वैसे हमजा भाई आपको सुना दे, चल ये बहुत अच्छा गाते हैं। आप सिंगिंग जज कर रहे हैं ना, आप सुना दे। सिनेमा हॉल में जो लोग फिल्म देख रहे होते हैं वो 100 लोग या 200 लोग बैठे होते हैं, उनको गाना चलता है, उनको गाना बहुत अच्छा लगता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 200 लोग जो है वो सारे सिंगर है। शेख साहब जो फिल्म देख भी रहे होते हैं वो सारे फिल्म मेकर सुनी होते हैं। आप बताओ हमजा आप क्या कहते हैं? मेरी तरफ से यस है। हमजा से क्यों पूछ रहे हैं? मुझे हमजा से पूछना अच्छा लगता है। मिन्ते करता हूँ हमारे पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कि हमारी फिल्मों में आइटम नंबर्स ना रखा करें। तुमने क्या 16 साल किया और आपने एक पाकिस्तानी आइटम नंबर पे डांस किया। आपके टैलेंट तो असाइड, लेकिन मुझे पर्सनली जाती तौर पे बड़ा दुख हुआ और ये हमारा कसूर है। वादा करें आइटम नंबर पे डांस तो नहीं करेंगे अगर मैं यस कर दूं तो। किसी अच्छे गाने पे करेंगे? किसी अच्छे गाने पे करेंगे? What the? We'll see you the next time, ठीक है? खुल के करना है। अभी आप ना थोड़ी घुटी हुई थी, अगले राउंड में खुल के डांस करना है। और फाइनली मेरा हम नाम सर, मैं गाना गाऊंगा। आए जी गाए गाना। क्या एज है बेटा? 18। अच्छा तो 2 साल और है, चलिए 20 तक आप ठीक हो जाइए। मैं ठीक हो जाऊंगा। आवाज आपकी मजीद बेहतर हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ये जो जज्बा और शौक है आपको, ये आपको इसी तरह जारी रखे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। आगे चल तो अभी मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि मैं सिलेक्ट हूँ। मैं नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप ये समझते हैं कि मैं इसको बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ। यार सॉरी आप इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे क्या लग रहा है कि आई थिंक आप गा सकते हैं, लेकिन थिएटर में हम
थिएटर लेकिन आना कि थिएटर के अंदर एक स्टेज विस्पर होती है कि आवाज ऊंची निकलती है लेकिन लगता है विस्पर कर रहे हैं. मुझे लगा कि आप गाना विस्पर कर रहे थे थोड़ी सी ऊंची आवाज में, तो थोड़ा सा खुल के अगर होता तो आई वुड हैव लाइक्ड इट बेटर. Really? Yes, really. You can do it better? I think I can do it better, yes. आप समझती हैं क्या मुझसे बेहतर कर सकती हैं? आप एक्टिंग के लिए आए हैं या कॉमेडी के लिए सिंग के लिए? मैं जब मैंने अच्छा एक्ट किया. This is going to be a debate and I do not want to engage in a debate. हर इंसान को लगता है कि वो अच्छा करता है. ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि आप जो गा रहे थे वो आपके दिमाग नहीं था. अच्छा नहीं गाता सर तो फिर वो सामने वाले को कैसे बोल सकता है कि वो सही गा रहा है या नहीं गा रहा है? क्या क्या